हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के टाइम बर्तन वर्तन सारा धो लिया मैंने, और यहाँ पे सोयाबीन है, मैं इसको भी भिगो लूँगी। आज मैं खिचड़ी बनाऊँगी, तो आलू सोयाबीन डाल के खिचड़ी बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने चाय बिठाया था, चाय के लिए भी और गर्म पानी पीने के लिए भी रखी थी। और यहाँ पर कढ़ाई में कल रात को हम लोग नमकीन छाने थे, तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल है, तो ये पुराना कढ़ाई है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ। सिर्फ कुछ भुजिया बनाना होता है या कुछ भी जैसे पूड़ी उड़ी छानना होता है तभी मैं इसका यूज करती हूँ। पुराना कढ़ाई है मेरा ये, इसलिए ब्लैक दिखता है। और यहाँ पे चाय है, मैं चाय बना रही हूँ सुबह में। थोड़ा सा पहले गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ। तो ये मेरा किचन का ही ब्लॉग है, मैं सिर्फ किचन का ही ब्लॉग डालती हूँ। और यश का पढ़ाने लिखाने का डालती हूँ, तो भी यश का जो मैं पढ़ाई थी ना उस दिन, वो भी वीडियो है मेरे पास, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं उसको अभी नहीं डाल। तो मैं सोची थी कि इसी वीडियो में क्लिप को ऐड कर दूं, लेकिन नहीं, मैं उसका स्टडी का मैं अलग से इसी उसी का स्टडी का एक ही वीडियो डालूंगी, किचन के साथ वाले के नहीं डालूंगी। तो मेरा यही किचन का ब्लॉग रहता है और ये उसको पढ़ाने लिखाने का ब्लॉग होता है। और मेरे घर का कोई रूटीन नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ थोड़ा मैं जो डेली खाना पीना बनाती हूँ वही मैं इस वीडियो में डालती हूँ, यूट्यूब पे डालती हूँ बस। और मेरा कोई कंटेंट नहीं होता। यहाँ पे मैं चाय बना दी थी, और चाय बना के यहाँ पे छान लूँगी। और मेरे को मैं पहले मॉर्निंग में जो ब्लैक टी हो तो वही पीती हूँ गर्म पानी पीने के बाद, बाद में मैं दूध वाला चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय मैंने ले लिया है, और मेरा भी चाय है, और दोनों लोगों का चाय है। और यहाँ पे सोयाबीन भिगो के रखी थी और आलू काट लिया था मैंने। आलू काटने के बाद अब मैं यहाँ पे खिचड़ी बनाऊँगी। तो खिचड़ी के लिए चावल और दाल को, मूंग मसूर का दाल है, इसको मैंने भिगो लिया है। और मेरा मन कर रहा था खिचड़ी बनाने को, तो मैंने बोला चलो खिचड़ी आज बना लेती। उसके बाद खिचड़ी जो ये है चावल, इसको धो लूँगी अच्छी तरीके से। और आप चाहो तो गर्म पानी में भी चावल और दाल को धो सकते हो, क्योंकि गर्म पानी में धोने से स्मेल नहीं आता है चावल और दाल में, क्योंकि अगर चावल पुराना हो जाता है ना तो स्मेल आने लगता है तो चावल में से। तो आप लोग गर्म पानी से धो सकते हो, लेकिन मैंने आज धोया नहीं, वैसे मैं डेली धोती हूँ और चावल। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। तो मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो आज मेरी थोड़ी एडिटिंग लेट हो रही है, तो आज मैं वीडियो कल मॉर्निंग में डालूँगी। तो आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना, और मेरा किचन ब्लॉग कैसा लगता है ये भी बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने धो लिया है, उसके बाद फिर मैं अभी तब मैं इसको भी चढ़ा दूँगी। उसके बाद तो मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं डालती, छोटा सा मेरा ब्लॉग होता है। और कैसा ब्लॉग मेरा लगता है आप लोग ज़रूर बताना, ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैंने ये कुकर को बिठा दिया है, और इस कुकर के लिए जो दूसरा है क्या बोलते चलाने के लिए होता है ना चम्मच टाइप, वो तो मेरे को अभी लेना। यहाँ पे कढ़ाई है, जो कढ़ाई में तेल था रात में जो नमकीन वगैरह छाने थे, तो वही तेल मैं इसमें डाल दूँगी कुकर में, ताकि मैं इसको अच्छे से भून लूँगी जो भी सोयाबीन आलू भूनना है। तो इस तरीके से मेरा अचानक मन हुआ कि मैं बना लूँ खिचड़ी, और मेरे बेटा को भी खिचड़ी बहुत पसंद है तो मैंने बना लिया था आज इसमें। और यहाँ पे खड़े मसाले हैं जो दालचीनी और पाँच फोरन और लाल मिर्च, ये सब डाल दिया मैंने। पाँच फोरन मीन्स कि जिसमें मेथी और राई ये सारा कुछ मिक्स होता है, जीरा वगैरह सब मिक्स होता है, तो उसी को पाँच फोरन बोला जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको भून लूँगी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो सोयाबीन है आलू उसको भी डाल दूँगी। तो आप चाहे ना आलू को ऐसे बिरयानी में बना के खाते हो ना तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मैं आज सोची थी कि बना लूँगी, बस खिचड़ी बनाऊँगी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मैं चैनल को लेके बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन अभी चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम लगेगा मेरे चैनल मोनेटाइज होने में, लेकिन मेरा व्यूज अच्छा आने लगेगा, यूट्यूब फैमिली की सपोर्ट होगी तो मेरा चैनल ज़रूर मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सोयाबीन और आलू को फ्राई कर ली हूँ, भून ली हूँ। थोड़ा सा मसाला मैंने ऐड किया था, जो चिकन मसाला होता है वही मसाला मैंने ऐड कर दिया, चिकन मसाला, गरम मसाला, मीट मसाला, ये सारा कुछ होता है तो मैं रखती हूँ। मैं भले ही नॉनवेज नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नॉनवेज के जो मसाला होता है वो रखती हूँ,
क्योंकि मसाला में कोई दिक्कत नहीं होता, मसाला से कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद जो सोयाबीन है आलू उसको डाल दूँगी या सोयाबीन आलू को भी भून लूँगी। आप चाहे तो फिर ये सारा कुछ अलग अलग से भून सकते थे, लेकिन मैंने एक ही में एक साथ मिला के भून दिया है। अब प्याज नहीं डालूँगी क्योंकि आज ब्रस नहीं, आज शुक्रवार था, फिर भी मैं प्याज नहीं डालूँगी सावन की वजह से। कभी कभी बीच में मैं नहीं डालती हूँ तो इस वजह से। आप लोगों को सावन का महीना कैसा चल रहा ज़रूर बताइएगा और आप लोग सपोर्ट करिए। मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है और मेरा वॉच टाइम भी कम है, तो मेरे को सपोर्ट करिए आप लोग। और यहाँ पे कि आलू सोयाबीन बन के रेडी है, भूज गया है अच्छे से, तो ये भून गया है। उसके बाद मैं चावल ऐड कर दूँगी इसमें, जो दाल और चावल भिगो के रखी हूँ उसको ऐड कर दूँगी। तो थोड़ा सा फ्राई हो जाता है ना तो टेस्ट अलग आता है, तो थोड़ा सा भूनने भून लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने दाल और चावल को ऐड कर दिया है, इसको भी थोड़ा सा भूनूँगी, इसको भी भूनूँगी। तो हमारे बिहार में क्या होता है ना कि जब खिचड़ी हम लोग बनाते हैं ना तो चोखा भी बनाते हैं। जैसे चोखा होता है जो आलू को मिक्स करके और प्याज वगैरह मिर्ची डाल के तो चोखा बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ सिंपल, क्योंकि मैं सारी सब्जी इसी में डाल रही हूँ। सोयाबीन आलू मैंने डाल ही दिया है तो मैं सिर्फ सिंपल ऐसे ही बना रही हूँ। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे मैंने सीटी लगा दिया है उसके बाद, और यहाँ पे मेरा खिचड़ी बन के रेडी है। थैंक्स।